राम राम हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। सॉरी, आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। इस अध्याय, सॉरी, कर्मयोग है केवल। फिफ्थ चैप्टर है एक्शन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो ये थर्ड चैप्टर कर्मयोग है, इसके 17 नंबर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने इस श्लोक पर थोड़ा चर्चा किया था। ये तीसरा भाग अभी थर्ड चैप्टर का चालू कर रहे हैं भगवान। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि भगवद गीता के तीसरे अध्याय में टोटल कितने भाग हैं, कितने सेक्शन हैं? कल मैंने विस्तार से बताया था। और इतने भाग में अलग अलग क्या, किस चीज पे फोकस करते हुए भगवान कृष्ण चर्चा कर रहे हैं? यस, कौन बताएगा? थर्ड चैप्टर में कितने सेक्शन हैं, कितने भाग हैं? तो घर पे जा करके पढ़ाई भी करेंगे, तो अगर कोई पूरा लाभ उठाना चाहते हैं इन कथाओं का आध्यात्मिक रूप से, तो अपना खुद का भी कुछ होमवर्क हमको करना पड़ेगा। तो होमवर्क क्या है कि जिस भी कथा में, सुबह की भागवतम क्लास में, दोपहर का चैतन्य चरितामृत, शाम का गीता क्लास और रात को राम कथा होता है, तो आप जो भी कथा अटेंड करते हैं, कोई चारों करते हैं, कोई दो करते हैं, तीन करते हैं, एक करते हैं, जितना भी आप अटेंड करते हैं, तो उस कथा का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो चैप्टर चल रहा है, उसका बुक आपके पास होना चाहिए। भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी, इस डिवाइन ग्रेस, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की बुक्स को ही रेफर कर रहे हैं। वही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वही है, और बोल सकते हैं कि वही हम लोग अभी रेफर कर रहे हैं उसी तात्पर्य को। तो वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए और आपको समय निकाल के घर में उनको पढ़ना चाहिए। और बहुत ज्यादा भी समय नहीं बोल रहे निकालने के लिए, आप अगर डेली 15-20 मिनट भी निकाल लेंगे, 10-15 मिनट भी निकालेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि तो जैसे मैं बताया कि हम लोग एक एक श्लोक पे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो एक एक अध्याय जो है हम लगभग 1.5 महीने, 2-2 महीने हमारा चल रहा है। और एक अध्याय को अगर कोई शुरू से लेकर अंत तक तात्पर्य अनुवाद के साथ पढ़ेगा, तो एक अध्याय कोई भी, चाहे भागवतम को या गीता को, 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे में हो जाता है। यानी अगर आप डेली 10 से 15 मिनट समय निकाल करके दो तीन श्लोकों के तात्पर्य अनुवाद के साथ पढ़ते हैं, तो आप आसानी से खुद भी पढ़ लेंगे। और स्पेशली जो श्लोक चलता है उसके आगे पीछे के श्लोकों को पढ़ना चाहिए, और तब जब ये कथा होती है तब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप पूरा लाभ उठा पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको करना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज में तो टीचर तो जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, और एग्जाम लेते हैं वो लोग, एग्जाम में फेल कर देंगे, तो इसलिए उस डर से करते हैं। लेकिन हमारे पास आपको डर देने के लिए कुछ है नहीं, और ना ही हम जो है जबरदस्ती कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो वॉलेंटियरली है, स्वेच्छा से होती है। तो इसलिए हम बस बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं कि अगर आप गीता और भागवत की शिक्षाओं को अच्छे से समझेंगे, पूरा लाभ उठा लेंगे इसका, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप बहुत आसानी से कृष्ण को समझ जाएंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को प्राप्त करके इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं खुद ही फिर से रिपीट करता हूँ, ये थर्ड चैप्टर मैंने कल बताया था, और बीच बीच में हर अध्याय में मैं बताता रहता हूँ इसे। तो हर अध्याय गीता का एक एक जो अध्याय है, भगवान ने जो भगवद गीता बोला है वो तो बहुत ही सिस्टमेटिक है, बिल्कुल कनेक्टेड है, एक फ्लो है, फ्लो में भगवान बोल रहे हैं। और एक एक श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं, उस श्लोक का अर्थ तो होता ही है, वो समझना ही है, वो श्लोक को क्यों बोला भगवान ने वहां पे, ये भी जानना जरूरी है। तो हर अध्याय के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों उस अध्याय को भगवान ने बोला है, और फिर उस अध्याय का गीता में क्या संबंध है,
और उस अध्याय के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, भाग हैं। किसी अध्याय में 50 श्लोक हो सकते हैं, 72 श्लोक हैं, किसी में 20 श्लोक हैं, किसी में 40-45 श्लोक हैं। तो वो सारे श्लोक जो हैं बहुत ही सिस्टमेटिक हैं, और वो सेक्शंस हैं। किसी अध्याय में 2-3 सेक्शन हैं, किसी में 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन। सेक्शन मतलब आप सब टॉपिक समझ लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में भगवान ने इतने श्लोकों में चर्चा की, कि दूसरे पर्टिकुलर चीज के बारे में भगवान इतने श्लोकों में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, तो दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर के 11-10 तक जो है, अर्जुन के द्वारा भगवान को दो और कारण बताए जाते हैं युद्ध ना करने के। फिर कंफ्यूज होता है अर्जुन और समर्पण करता है फाइनली। तो 10 नंबर श्लोक तक वो अर्जुन के द्वारा समर्पण का भाग। फिर 11 नंबर श्लोक से लेकर के भगवान 30 नंबर श्लोक तक आत्मविज्ञान के बारे में बताते हैं। ये दूसरे अध्याय जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, दूसरे अध्याय में इस तरह से आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। और वो आत्म तत्व क्यों बताती है सब हमने ऑलरेडी विस्तार से चर्चा किया है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक भगवान जो है तीसरा भाग प्रस्तुत करते हैं दूसरे अध्याय में। और वो क्या था, वो वास्तव में कर्मयोग था, कर्मयोग, कर्मकांड, कर्मयोग मिक्स करके भगवान बोलते हैं उसमें। और फिर 39 नंबर श्लोक से लेकर के 53 नंबर श्लोक तक भगवान बुद्धि योग या भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और फिर 54 में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, और फिर उसके उत्तर में 55 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक भगवान स्थित प्रज्ञा, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होते हैं उसका वर्णन करते हैं 72। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5 पांच सेक्शन है, 72 श्लोकों में 5 भाग है। तो इस प्रकार से आप पूरे गीता के उस पूरे दूसरे अध्याय का फ्लो समझ पाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा अध्याय जो है, तो तीसरा अध्याय कैसे कनेक्टेड, तीसरा अध्याय क्यों प्रकट हुआ ये भी पता होना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के कारण ही तीसरा अध्याय प्रकट हुआ है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण 31 नंबर से 38 नंबर श्लोक तक कर्म योग दिए, समझाए, लेकिन बड़े शॉर्ट में समझाए, और फिर बुद्धि योग डायरेक्ट बता दिए। और दोनों का निष्कर्ष भगवान ने अर्जुन को बोल दिया कि फाइट करो, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पाया कि बुद्धि योग मुझे कर्म को त्याग करना है या कर्म योग कर्म को करना है, क्या करना है। आप क्लियर कुछ समझ नहीं पाया, तो अर्जुन इसलिए फिर कर्म योग को और विस्तार से समझना चाहते थे, इसलिए प्रश्न पूछा उन्होंने तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोकों में। फिर भगवान तीसरा अध्याय बोलना प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है कर्मयोग, और उसमें टोटल 4 भाग है। तो जिसमें से पहला भाग अर्जुन के क्वेश्चन पूछने के पश्चात जो पहला भाग स्टार्ट होता है 3 नंबर श्लोक से लेकर के 9 नंबर 8 नंबर श्लोक तक। तो मैं तो श्लोक भी बता रहा हूँ, तो भले मान लीजिए आपको श्लोक नहीं याद रहता है कि इतने श्लोक से लेकर के इतने श्लोक तक भगवान ने ये बोला, फिर इतने श्लोक से ये बोला। हालांकि ये भी कोई कठिन नहीं है, अगर आप खुद पर्सनली पढ़ेंगे ना गीता को तो आप समझ पाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आता, नहीं भी याद है कि इतने श्लोक ये भगवान बोले, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इस अध्याय में भगवान किन किन विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में 4 विषय वस्तु भगवान उठाए हैं, 4 चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कर्मयोग बता रहे हैं। तो कर्मयोग के भिन्न भिन्न प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति किस भाव में, उसका क्या क्या स्वभाव है और कैसा उसकी हृदय की स्थिति है, उसके अनुसार उसके लिए जो है शास्त्र प्रदान करते हैं क्या कर्तव्य करना चाहिए। तो सबसे पहले 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक भगवान कृष्ण तो अर्जुन को बोले कि अर्जुन जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, अभी भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था कि मुझे कर्म को त्याग कर देना चाहिए, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, बुद्धि योग या भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग को अर्जुन सोच रहा था कि भक्ति योग मतलब सब कुछ त्याग देना चाहिए कर्म को, और हिमालय में जाकर के सन्यासी बन के हरे कृष्ण जप करना चाहिए, ये अर्जुन सोच रहा था। तो भगवान बोले अर्जुन वो हो सकता है, बेस्ट है, लेकिन अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं। तो भी इसलिए भगवान 3 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक तक तीसरे इसी अध्याय के भगवान वर्णन किए कि जिनके हृदय में अभी भी कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन जो इन वासनाओं कामनाओं से मुक्त होना चाहने का मुक्त होने का इच्छा रखते हैं, और जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको जो है कर्म योग करना चाहिए, कर्म योग, और स्पेशली उसमें जो है निष्काम कर्म योग करना चाहिए, बेस्ट है, लेकिन कम से कम सकाम ही कर्म योग करें, कुछ तो करें। और वो कर्मयोग का मतलब क्या है भगवान फिर बताए,
7-8 नंबर श्लोक में, कि अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाना चाहिए। जो सेवा आपको पसंद है वो कर, जो कार्य आप कर सकते हो, जो आपकी योग्यता है, स्वभाव है, उसके अनुसार आप करिए, लेकिन मेरे सेवा में लगाइए। तो ये कर्म योग हो जाता है। फिर दूसरे भाग में भगवान 10 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक भगवान कंसिडर किए उन लोगों को, जो दूसरा भाग इसका बनता है, कि जो लोग जो है जिनके हृदय में वासनाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, लेकिन वो भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में ही रहकर सुख भोग करना चाहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान की भक्ति प्राप्त करने में या भगवान के धाम जाने में। तो ऐसे लोग भी तो हैं, तो भगवान के ही अंश ना, तो उनको भी तो भगवान को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, उनको छोड़ तो नहीं सकते। भगवान हालांकि बोलते हैं कि जिसकी जैसी इच्छा है मैं उसको वैसा प्रदान करता हूँ, फ्री विल देते हैं भगवान, लेकिन फिर भी भगवान परम पिता होने के नाते ख्याल रखते हैं कि कैसे, हालांकि इसका इच्छा नहीं है मेरा भक्त बनने का, इसका इच्छा नहीं है इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के तो वैकुंठ धाम जाने का, लेकिन मैं इसको इस प्रकार से इसकी भौतिक इच्छा पूरी करवाऊंगा ताकि धीरे धीरे वो भी उस रास्ते में आ जाए। तो इसी के हेतु तो भगवान कर्म कांड की रचना किए। कर्म कांड के द्वारा भगवान बोलते हैं जीवात्मा को कि आप ठीक है, मेरा भक्ति मत करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा मत रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप भौतिक संसार को त्याग करके आध्यात्मिक मेरे नित्य वैकुंठ धाम में आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आप इधर ही रहना चाहते हो इधर ही रहो, आपको क्या चाहिए, आपको भौतिक सुख चाहिए ना, तो भौतिक सुख कैसे मिलेगा ये आप पालन कर लो, है ना, वो भौतिक सुख मिलेगा जब इस प्रकार से कर्म कांड नियम आप पालन करोगे, यज्ञ करोगे और दान तपस्या ये सब करोगे, तो आप पुण्यवान कहलाओगे, पुण्यवान रहोगे तो ईश्वर अपने आप देवता लोग आपको देंगे और आप स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने मनमाने ढंग से कार्य करोगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, ये देवता लोग आपको परेशान करेंगे, है ना, यमराज जी वहां पे खड़े हैं डंडा लेकर के, फिर मेरे पीछे, फिर मेरे पास मत आना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, मैं आध्यात्मिक जगत में, अगर तुम मेरा शरण लोगे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत आने के लिए तो फिर मैं गारंटी देता हूँ, नमे भक्त प्रणश्यति, तुम कैसे भी स्थिति में फंसे रहोगे कोई तुमको छू नहीं सकता है, यमराज का दंड भी तुमको परेशान नहीं कर सकता है और ना ही देवता लोग आपको परेशान कर सकते हैं, मैं फिर गारंटी ले लूँ। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा इच्छा नहीं है कि तुम मेरे को समर्पण करो, तुम इसी भौतिक संसार में सुख भोगना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे ही हित के लिए तुमको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि इस प्रकार से अगर जीवन यापन करोगे, कर्म कांड का पालन करते हुए, शास्त्रों की विधि के अनुसार यज्ञ करते हुए, तो देवता लोग तुमसे प्रसन्न रहेंगे और तुमको देंगे भौतिक सुख सब कुछ, और तुम इस प्रकार से करते रहो। तो बाहरी रूप से भगवान इस प्रकार से बोले, लेकिन आंतरिक भाव क्या भगवान का, इस प्रकार से जब वो यज्ञ करेगा तो यज्ञ के माध्यम से किसी न किसी तरीके से भगवान विष्णु का, नारायण के लिए कुछ न कुछ अर्पण करेगा, तो इससे धीरे धीरे उसका हृदय शुद्धिकरण होगा, फिर कर्म कांड से वो जो है लांग के कर्म योग के स्तर पहुंचेगा। तो इसलिए भगवान 16 नंबर श्लोक तक ये बताया, और फाइनली 16वें श्लोक में ये कंक्लूड कर दिए, बोल दिए कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती अघायुरिंद्र रामोघम पार्थ सजीवति। इस प्रकार का जो चक्र है, जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा मैंने प्रदान किया है कर्म कांड करने का, जो इसका पालन नहीं करता है तो उसका जीवन अघा आयु है, उसका जीवन पापमय है पूरी तरह से, और उसको केवल और केवल दुख ही मिलने वाला है और कुछ नहीं प्राप्त करेगा, वो व्यर्थ ही वो जीवन जी रहा है, वो सोच भले रहा है ये कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत सुख सुविधा मिलेगी, वास्तव में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तव में केवल पाप कमा रहा है, पाप कमाएगा तो क्या मिलेगा, दुख ही मिलने वाला है। तो इस तरह से भगवान ये कंक्लूड किए इस सेक्शन को, इस भाग को, जो यहाँ पे दूसरा भाग हुआ। अब तीसरा सेक्शन जो चालू हो रहा है, जो हमने कल चालू कर दिया था 17 नंबर श्लोक से जो 35 नंबर श्लोक तक जाएगा, तो ये इस भाग में भगवान निष्काम कर्म योग प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, यानी जो ऑलरेडी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, जिनका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं। अब इस आत्म साक्षात्कार, इस कैटेगरी में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक तो जो शुद्ध भक्ति को अभी प्राप्त नहीं किए हैं और दूसरे जो शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त कर चुके हैं, ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए फिर भगवान निष्काम कर्म योग देते हैं, जिसमें सबसे पहले 17 नंबर श्लोक जो हमने कर चर्चा किया था, उसमें भगवान ये स्टेब्लिश करते हैं कि कर्म को त्याग करने का योग्य कौन है। अर्जुन कर्म को त्याग करना चाहता है, तो भगवान पहले ये बता रहे हैं, एक दो श्लोक में ये बताएंगे कि कर्म को कौन त्याग कर सकता है। कर्म मतलब, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि कई लोग नए भी आते रहते हैं, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि कर्म जो शब्द है वो बहुत ही ज्यादा
गलत समझा हुआ शब्द, कर्म हो गया, पूजा हो गया, भजन हो गया, धर्म हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म्स हैं इस संसार में। लोगों को नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म, ये समझते हैं, लेकिन धर्म ये नहीं है ना। कर्म मतलब हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं है, वो भी कर्म है। हम अपने मन से शास्त्रों के विरोध में जाकर के जो कार्य करते हैं, शास्त्रों के बिना इंजंक्शन के जो कार्य करते हैं, उसको विकर्म बोला जाता है। विकर्म मतलब पाप कर्म बोला जाता है, चाहे वो अपने तथा परिवार वालों के पालन पोषण के लिए ही क्यों ना किया जाए, लेकिन जो शास्त्र विधि अनुसार कार्य किया जाता है, उनका कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी को कर्म बोला जाता है। कर्म मतलब जो पुण्य होता है और उससे वो ऐश्वर्य और स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर ये अलग सब्जेक्ट मैटर। तो कर्म, तो भगवान बोल रहे हैं कि कौन इस प्रकार के कर्मों को भी त्याग कर सकते हैं, यानी वैदिक विधि विधान, वैदिक नियम कानून के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसको कौन त्याग करने के योग्य है, तो इसके बारे में कल हमने चर्चा किया। तो कौन कर सकता है? यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। उस व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं इस भौतिक संसार में, चाहे वो वैदिक शास्त्रों के द्वारा हो या किसी भी संसार के किसी व्यक्ति के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आत्मरतिर, आत्मा यानी परमात्मा, भगवान के प्रति जिसका रति उत्पन्न हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है, और जो आत्मनेव संतुष्ट आत्मतृप्तश्च मानव, जो आत्मा के कार्यों को करने में यानी भक्ति के कार्यों को करने में ही संतुष्ट मात्र, उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ भौतिक लाभ की इच्छा नहीं, यानी हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म नहीं। जिसमें एक एक छोटा सा चीज बचा हुआ था, वो आज हम लोग कवर करके इस श्लोक को कंप्लीट कर देंगे। कैसे व्यक्ति को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा अगर वो कर्म को त्याग कर देता है, रूपा जी तात्पर्य इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज फुली कृष्णा कॉन्शियस एंड इज फुली सेटिस्फाइड बाय हिज एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर हैज एनी ड्यूटी टू परफॉर्म ड्यू टू हिज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस ऑल इंपायरिटी विद इन इज इंस्टेंटली क्लेंस्ड एंड इफेक्ट ऑफ मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। हाँ, तो जो व्यक्ति इस स्थिति में है, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, आत्मतृप्तस्य मानव है, तो फुली कृष्ण कॉन्शियस है, भगवान के बारे में पूरी तरह से उसको चेतना है, भगवत चेतना में है, भगवान के लिए ही कार्य करता है, तो उसके द्वारा कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। और इस भौतिक संसार में रहते हुए अगर किसी कारणवश अनजाने में कुछ गलत कार्य हो जाता है, गलत कार्य मतलब पाप नहीं, मान लीजिए भगवान की सेवा के लिए, सेवा को करने के लिए उसको कुछ भौतिक कर्तव्यों को त्यागना भी पड़ता है, ऐसा तो उस भौतिक कर्तव्यों को त्यागने का उसको जो है पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि समस्त भौतिक कर्तव्यों को करने से, अच्छे से निर्वाहन करने के पश्चात जो रिजल्ट होता है कि भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करना, तो वो ऑलरेडी उन भगवान को हृदय में धारण किया, तो कॉन्स्टेंटली नित्य रूप से भगवान के ही स्मरण में, भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस व्यक्ति का, ऐसे भक्त का, फुली कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी का, सारे जो पाप होते भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो होते नहीं, अगर कहीं से जनरेट भी हुए तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, उसको अलग से कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती पापों को धोने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हैं, वैदिक नियमानुसार वो कर्तव्य का जो लोग पालन करते हैं, तो उनको साथ ही साथ में, साइड बाय साइड अपने पापों से मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ अटोनमेंट या पश्चाताप करना जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो उन कर्तव्यों को पालन करते हुए बहुत सारे पाप होते हैं, तो उससे मुक्त नहीं। लेकिन भक्त को आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त 24 घंटे कृष्ण को हृदय में धारण करता है, इसलिए उसके भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जप से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको अलग से पाप नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बाय सच क्लियरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस वन बिकम्स फुली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज इटरनल पोजिशन इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। और इस प्रकार से इस शुद्ध चेतना में रहने के कारण ऐसे जो भक्त होते हैं उनको भगवान की कृपा से हृदय में पूरी तरह से ज्ञात हो जाता है कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। वास्तविक रूप में आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इसलिए मेरा उनका सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए अन्य जो कर्तव्य होते हैं वो सबसे वो ऊपर उठ जाते हैं। हिज ड्यूटी दस बिकम सेल्फ एलुमिनेटेड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर ही नो लॉन्गर हैज एनी ऑब्लिगेशन टू द वेडिंग इंजंक्शंस। तो उसका जो कर्तव्य है कि मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, ये भगवान की कृपा से दिव्य आत्म साक्षात्कार के स्तर पर रहने के कारण वो भगवान की कृपा से ही प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में कि मेरा जो कर्तव्य है, मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ, तो दास होने के नाते भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है,
तो उन कर्तव्य को भलीभांति करता है वो, इसलिए ये भौतिक शरीर से संबंधित जो कर्तव्य है उसको ना कर पाने के कारण उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल एक्चुअल ड्यूटीज जो वास्तविक उसके कर्तव्य में उसका पालन ठीक ठीक तरीके से कर पा रहा है। सच अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मटेरियल एक्टिविटीज एंड नो लॉन्गर टेक्स प्लेजर इन मटेरियल अरेंजमेंट्स लाइक वाइन, वुमेन एंड सिंगर इंफैटुएशंस। इस प्रकार का, ऑफ कोर्स इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके लक्षण भी होते हैं। हर कोई ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि मैं उस स्तर पे हूँ, मैं केवल कृष्ण के दास हूँ तो कृष्ण का ही सेवा करना चाहता हूँ। तो उसका लक्षण क्या है कि इस प्रकार के भक्त को किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य और भौतिक कार्य को करने से इस संसार का कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, जैसे कि वाइन, वुमेन एंड अदर भौतिक सुख सुविधाएं, स्त्री सुख है या पारिवारिक सुख है, और जो पाप के कारण जो सुख है और पुण्य के कारण जो सुख है, उन दोनों सुखों से वो ऊपर उठ जाता है। इस ऐसा व्यक्ति जो है भगवत चेतना में रहने के कारण अपने वास्तविक कर्तव्य को करते हैं, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता है। इस प्रकार से ये 17 नंबर श्लोक में बहुत ऐसे जो पूर्ण रूप से आत्मरतिर को प्राप्त हुए व्यक्ति हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं, इसका वर्णन इस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे पूछिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं, सब समझ गया लगता है। हरे कृष्ण पूजी, हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न है कि वो जो आपने बताया 3 से 9 नंबर, वो हाँ, दोबारा रिपीट कर देंगे? वो उसमें रिपीट क्या करना है, उसमें क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो आप वापस से सुन लेना, क्योंकि उसको रिपीट 15 मिनट लगेगा, उतना समय नहीं है। लेकिन सार में मैं बता देता हूँ कि 3 से 9 में भगवान कर्मयोग को बता रहे हैं, उस कर्मयोग को बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति के हृदय में अभी वासनाएं हैं, कुछ भौतिक इच्छा है, लेकिन साथ ही साथ में वो इस भौतिक संसार से मुक्त भी होना चाहता है, भक्ति करना चाहता है। तो ज्यादातर जो भक्त होते हैं हम सब इस कैटेगरी में होते हैं, कि जो भौतिक इच्छाएं भी हैं हृदय में, कामनाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, लेकिन हम इन भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनसे मुक्त होकर के भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान बोले कि आप अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, उसको बोलते हैं कर्मयोग। यानी जीवा के द्वारा कृष्ण का नाम उच्चारण करिए, कान के द्वारा सुनिए, हाथ के द्वारा भगवान का श्रृंगार करिए, मंदिर मार्जन करिए, और जो भी कार्य भी करते हैं, कुछ भौतिक कार्य भी करते हैं, तो उसका जो फल लाकर भगवान की सेवा में लगाइए। तो इस प्रकार से ये कर्मयोग ये सेक्शन हम भक्तों के लिए साधना भक्ति के रूप में बताया गया है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? या संगीता मैडम, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी के पूछिए। जनरलाइज क्वेश्चन था कि इस्कॉन जो गीता क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, तो कोई ऐसे हम किसी को बताते हैं तो वे पूछता है इस क्लास के करने का मकसद क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ध्यान को, और क्यों, क्या पर्पस है? हरे हाँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको अगर देना है डोनेशन तो दीजिए, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हम कंडीशन इसलिए नहीं रखते हैं ताकि इसके चक्कर में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम जो भी प्राप्त करते हैं भगवान का संदेश, तो हम ऋणी बनते हैं, उस ऋण को हमको चुकाना होता है, और वो ऋण वास्तव में कोई चुका नहीं सकता है। तो उनको आप बोल सकते हैं कि इसका फीस इतना हैवी है कि आप चुका ही नहीं सकते, इसलिए हमने कोई फीस नहीं रखा है। ठीक है, इसका फीस जो है आप पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति को देकर भी नहीं चुका सकते। तो कैसे चुकाया जा सकता है? प्रभुपाद जी से एक बार भक्त को पूछे कि प्रभुपाद जी, आपने हमको भगवत ज्ञान जो दिया है, तो इसका ऋण हम कैसे चुकाएं? तो प्रभुपाद जी बोले, यू कैन नेवर रिपे इट, आप इसको कभी नहीं चुका सकते। ब्रह्मा जी की आयु भी आपको मिल जाएगी, तब भी आप गुरु के ऋण को नहीं चुका सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कुछ देर बाद बोले, बट यू कैन डू वन थिंग, आप एक चीज कर सकते हो कि आप भी इस प्रचार कार्य में सहयोग करो। इस माध्यम से ऋण तो नहीं चुकेगा, लेकिन एटलीस्ट आप जो है अपना सहयोग प्रदान किए कि जैसे आपको मिला ये ज्ञान, तो ऐसे दूसरों तक आप पहुंचाइए। तो हमारा उद्देश्य ये है, हम इसलिए गीता भागवत ये सब कथा कर रहे हैं ताकि आप सबको वास्तविक जो ज्ञान है वो मिल सके, और इस वास्तविक ज्ञान के बल पे आप जो है असली जो सुख है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये उद्देश्य है। और हमारा पर्सनल क्या फायदा है कि हम भगवान के अत्यंत प्रिय बनना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का इच्छा है कि हर किसी तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंचे, और भगवान डिक्लेयर किए गीता में कि जो भी मेरे इस ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करता है, भगवान बोले प्रयास करता है ना, भले ना पहुंचा पाए, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे हमको पता नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं, हम बोलते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे
बोलता रहता हूँ। यहाँ पे अभी 70 भक्त लोग आए हैं, सुबह 80-90 भक्त लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग सुनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो उत्तर तो कोई देता नहीं। तो अब वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। मोहन वो देखते हैं तो मोहन बोलेंगे चलो ठीक है, कम से कम बेचारा कुछ तो टूटा फूटा शब्दों में गुणगान कर।